शिवसेना शासित बीएमसी ने पिछले 24 सालों में 21,000 करोड़ रुपए ये फूंक दिए, आज भी रास्तों के हालत खस्ता हाल है। सब जगह मुंबई के रास्तों पर खड्डे हैं। हमने मुंबई करों के जो कंप्लेंट्स है वो बीएमसी तक पहुंचा है। यहाँ की मुंबई करों ने भी ट्विटर के माध्यम से बीएमसी को कई कंप्लेंट्स किए, लेकिन ना खड्डे भरे गए ना मुंबई के रास्ते ठीक किए गए। आज भी ये भ्रष्ट शिवसेना शासित बीएमसी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने पेट भर रहे हैं और वसूली के काम में लगी हुई है। मुंबई के कोने कोनों में मास्क ना होने पर बीएमसी मार्शल बराबर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब रास्ते के दुरुस्ती करने का, खड्डे भरने का जब सवाल उठता है, इसलिए आज हम भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के युवा मुंबई करों के सम्मान में, मुंबई करों के लिए हम रास्ते पर उतरकर समस्त मुंबई में जो भी बीएमसी ने खड्डे नहीं भरे उसको, वो खड्डों को भरने का काम ये युवा मोर्चा ने शुरुआत की है, उसकी आज वर्सोवा विधानसभा से। सर, मुंबई महानगर पालिका हमेशा सबसे बड़ा मुंबई का माना जाता है कि पैसे के बारे में, मतलब टैक्स के बारे में, क्या कहना सर कि ये पूरा पैसे जाते कहाँ है? देखिए, ये इनकी एक मोडस ऑपरेंडी है कि ये ऐसे कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त करते हैं स्ट्रैटेजी से कि वो बार बार जो खड्डे रस्ते पे गिरते रहे और बार बार एक नया फंड पैदा कर सके जिस फंड के माध्यम से भ्रष्टाचार फैलाया जा सके और उनको अपने टकेवारी मिलते जाए। यही कई सालों से जो मुंबई करों को इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिलना था वो लाभ अभी तक नहीं मिल पाया, क्योंकि अभी तक पिछले 36 सालों से ये शिवसेना शासित बीएमसी एक नाक के तरह बनकर मुंबई करों के खून पसीनों की कमाई चूस रही है। और ऐसी हालत ताकि हमें खुद को, स्वयं को ये देखने मिलता है कि कहीं कहीं अपने खुद के जान परिचित वाले एक्सीडेंट होकर उनके हॉस्पिटल पहुंच जाते, कई लोगों का देहांत हो चुका है, लेकिन बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारी और जो शिवसेना शासित बीएमसी के जो नेतागण है इनको मुंबई करों की कुछ पड़ी नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने जेब भरने की पड़ी है। ऐसा कुछ होता नहीं। आज अगर आज की स्थिति ऐसी है मुंबई की, अगर आप आम जनता, आप मुंबई कर से पूछो तो सभी के जो मेन सिविक इश्यूज के अंदर सबसे बड़े प्रायोरिटी इशू है ये मुंबई के खड्डे। जब आम जनता टैक्स भरने के बावजूद उनको अच्छे खड्डे नहीं मिल, अच्छे रोड नहीं मिल सकते, ऐसे खड्डे वाले रोडों में उनको जाना पड़ता है, खुद के गाड़ियों का, खुद की तबीयत खराब करना पड़ता है और खुद बीमार होकर लोग घर में बैठे रहते हैं, कभी कोई बाइक से गिर जाता है, ये हालत मुंबई करों का। इसके लिए पूरी और पूरी जिम्मेदार शिवसेना शासित बीएमसी है और उसमें कोई दो राय नहीं है इसके बारे में, ना किसी को कुछ सवाल है। सबको पता है कि बीएमसी भ्रष्टाचार करती है, इसके वजह से आज रस्ते की हालत ऐसी है। सर, आने वाले जबकि हाईवे कई खड्डे है, कहीं और भी बहुत ज्यादा खड्डे है, तो आप ये यहाँ क्यों चुना? ये एरिया इसलिए चुना गया है कि स्वयं मैं यहाँ पर आया हूँ। ये एरिया में बहुत दिनों से कंप्लेंट थी, आम जनता हमें कंप्लेंट कर रही है आजू बाजू की, लेकिन हम पूरे मुंबई में कर रहे हैं। जहाँ जहाँ खड्डे, जहाँ जहाँ बीएमसी ने नहीं बुझाए है, जहाँ जहाँ मुंबई करो के कंप्लेंट युवा मोर्चा के माध्यम से हमने बीएमसी को किए, वो सब खड्डे बुझाने का काम युवा मोर्चा करेगी। आने वाले बीएमसी में सर इलेक्शन जीतती है तो क्या करेगी? पहले आप खुद सत्ता में थे सी, और ये बीएमसी में शिवसेना भाजपा साथ में थी, तभी सबसे पहली बात कि शिवसेना बीएमसी में अंदर बीजेपी की कुछ चलने नहीं देती थी। सबसे पहले बात सीधा बोलना चाहता हूँ मैं, उसको छोड़कर जो हमारे नगर सेवक है वो हमेशा ही कुछ भी ऐसी बात जो लोगों के हितों के अगेंस्ट है, खिलाफ रहेगी, ऐसे बातें उठाते गए और मुद्दे उठाते गए हमेशा बीएमसी में। इसका पूरा पूरा पुरावा मैं आपको दे सकता हूँ करके, खड्डे के भी विषय पहले उठाए गए हमारे नगर सेवक के द्वारा।